हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल, चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ गिफ्ट बॉक्स, आप कैसे उस गिफ्ट बॉक्स को बना सकते हैं। आप बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं इसमें पैक करके, या फिर किसी भी ओकेज़न में ये काम आता है, बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, छोटा सा गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर शेप का एक पेपर लेंगे। अगर A4 साइज़ का लेते हैं तो आप उसे स्क्वायर शेप में काट लें इस तरह से। देखिए, ऐसे ट्रायंगल शेप में लेकर के आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर शेप ले लिया है और इसे अब देखिए इस तरह से फोल्ड करना है हमें। पहले मैंने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया था, आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। देखिए इस तरह से फोल्ड किया, फिर अब देखिए रेक्टेंगल शेप में इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब देखिए ये दूसरी तरफ से मैंने रेक्टेंगल शेप में इसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। पहले दूसरी तरफ से था, अब दूसरी तरफ से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दे करके, ठीक है, फिर से आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, दूसरा ट्रायंगल शेप इस तरह से, फिर एक और, अब लास्ट में एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड हो गया, चारों तरफ से फोल्ड हो गया। अब इसे इस तरह से देखिए रेक्टेंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि एक तरफ ऐसे फोल्ड हो और एक तरफ ऐसे फोल्ड हो, यानी बिल्कुल इस तरह से जैसे दरवाज़ा होता है ना, दो जो पल्ले होते दरवाजे के लग जाए, इस तरह से हमें फोल्ड करना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे। फिर इसको दूसरी तरफ से इसी तरह फोल्ड करना है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए इसे अब खोलना है, ठीक है, बस दो साइड खोलना है। और जिस साइड से हमने इसे ओपन किया है इस तरह से देखिए मोड़ेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मोड़ेंगे। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे रिप्ले कर लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, ठीक है, ये एक साइड को हमने मोड़ दिया। अब इसी तरह देखिए दूसरा साइड जो है वो भी इसी तरह से मोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब फिर इसे अब हमें क्या करना है, ग्लू से चिपका देना है। मैं बताऊंगी किधर चिपकाना है, ये देखिए ये जो चारों तरफ जो बेस में है हमारा ट्रायंगल शेप, बस वहाँ पर ग्लू से चारों को चिपका देना है। अब देखिए मैंने दूसरा भी ब्लू कलर का इसी तरह से तैयार किया है। तो हमें जो पेपर का साइज है दोनों का वो सेम ही लेना है, स्क्वायर शेप वो सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम साइज़ रहेगा। और एक को हम कवर बना देंगे उसका, मतलब ऊपर से ढकने के लिए। देखिए इस तरह से आपको ऊपर से पैक करके कोई भी गिफ्ट देना होगा, है ना, तो फिर आप इस तरह से ऊपर से पैक करके दे सकते हो। अब हमें इसमें कुछ करना भी होगा, जो भी आपके पास ग्लिटर, सितारा, बिट्स वगैरह जो भी आपके पास हैं, लेसेज आते हैं अच्छे अच्छे, वो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपने तरीके से इसे अच्छे से सजाएं। हालांकि मैं इसमें सजाऊंगी, वो ध्यान देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से आप देखिए पेपर को कट कर सकते हैं या फिर एक रिबन भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर ज़्यादा वो चिपकने में आराम रहता है। इस तरह से हमें चिपका देना है, ठीक है, हमें मोड़ करके इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से चिपक गया। अब इसके ऊपर भी हमें ग्लू लगाना है, वो क्यों लगाना है आगे देखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम जो दूसरा जो है हमारा पेपर कट किया हुआ, इस तरह से उसे चिपका लेना है, ठीक है,
पेस्ट कर देंगे इसमें और इस तरह से कर लेंगे। ओके, आप देख रहे हो इस तरह से। और लास्ट जो सीरा बचेगा उसे भी हम ग्लू से चिपका लेंगे। बहुत ही अच्छा होता है इस तरह से गिफ्ट देना, ठीक है बहने आपकी या फिर किसी फ्रेंड को ही गिफ्ट देना है तो घर में आराम से बन सकता है इस तरह से छोटे से गिफ्ट देने के लिए। और ये देखिए जो हमारा सिरा बच गया है साइड साइड से दोनों तरफ, उसे हम इस तरह से कर लेंगे जिसे देखने में सुंदर लगे। वो उभरा हुआ होता है ना, वो अच्छा लगता है देखने में इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लू से वो जो हार्ट मैंने रखा हुआ है गोल्डन येलो, इसे चिपका लेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे बॉक्स में चिपका देना है जहाँ आपका मन करे, लेकिन मैं इसे साइड में चिपकाऊंगी। ये मैंने साइड में ग्लू लिया और इसे चिपका लिया। बस हमारा गिफ्ट बॉक्स तैयार है। और आप चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी दिखलाइए, अच्छे अच्छे बीड्स, आपके पास मोती होंगे, लेसेस होंगे, जो भी आपके पास अच्छे अच्छे चीज़ें हों डेकोरेटिव, उससे आप अच्छा गिफ्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड थी जिसे मैंने आज पूरा कर दिया है। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।